और ये सूट मेरा अच्छा, ये आपका है? ये बड़ा है। ये तो छोटा है। ये देखें, साकिब बस भी आगे उठ बोल गया गया जी। जाओ इस ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करती हूँ? ठीक ठाक हो? सवाल अलहमदुल्ला सब ठीक है, घर माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, लेकिन मेहरबानी है शाम के टाइम है हमारी वीडियो भी शुरू होगी, माशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनेगी, ईद जो आ गई। वाह, आज सफेद है। ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक, एडवांस 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 ईद मुबारक, हाजी मुबारक। माशाल्लाह अल्लाह पाक ना जो हाजी हाज पढ़ने गए तो अल्लाह पाक ने उनको आज कबूल फरमाए। आमीन। तो अभी अभी शाम का टाइम हो गया तो मैं हाँ तो जल्दी है बस मैं सरप्राइज लेना जा बताते चलूँ बताते चलूँ बहन भाइयों को, फिर हाँ। जब वापस आऊँगी ना हाँ फिर शेयर करूँगी। अच्छा हाँ जी, वाह माशाल्लाह, ऐसे सरप्राइज दे लिया है, हम तो चाहते हाँ, हैं माशाल्लाह। फिर दिखाएंगे अपना ईद वाले सूट। वाह, ईद वाले सूट हाँ, तैयार हो गए? हो माशाल्लाह, चलो फिर तो जल्दी फिर ले आओ। मैं जल्दी हाँ। को बोला थोड़ा सा घास डाल दे, फिर मैं वापस आऊंगी, पानी भी पिलाऊंगी। तो नहीं कपड़े तो अच्छे पहने हुए नहीं है, ऐसे बुनियान पहनी हुई है। ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसा जा तो चोला पहना दो। चलो नहीं यहाँ पर कहीं कुछ अभी खेल रहा है, खेलने दो। ठीक है ठीक है हाँ, शाम का टाइम है फिर देर हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, जब उधर जाता है तो फिर वो लड़कियों मुझे उठाती है तो फिर घर भी नहीं आता। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है ओके ओके। और सेफ घास डाल रहे हो पत्र? हाँ माशाल्लाह, हो गया गंद लेके जा रही है बाहर फेंकने के लिए। फेंक मैंने ऊपर से ऊपर 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 से उठाया है, वो अभी इकट्ठा करके वो उठा रही है। अच्छा तो इधर दे बछड़े घास खा रहे हैं वेड़ी शेणी। अभी इनको अम्मी ने ना कुछ पहले डाला था तूड़ी वगैरह, लेकिन वो खा गए, तो आसिफ को अम्मी ने बोला कि अभी डाल दो कुछ खाते पीते रहेंगे। तो ये देखें डाल रहा है आसिफ, माशाल्लाह आसिफ पत्र मेहनत कर रहा है। दूसरे कहाँ चले गए? मुनीब नज़र नहीं आ रहा, कामरान मुनीब जूता लेने गया है। अच्छा तो वो बछड़ियों को भी डाल देना, वो भी बैठी हुई हैं बेचारी, ऐसे लगता है भूखी बैठी हैं, और वो खोते और भी देख रहे हैं कि हमें क्यों नहीं डाला। इनको भी डालना पड़ेगा, वो भी खाएंगे। इनके यहाँ अभी तूड़ी रखी हुई है, देखें वो डालेंगे ना घास दिए। माशाल्लाह प्यारी 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 है, देखें इसका कलर माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, प्यारा है। ले आओ भाई, ले आओ ले आओ, ये दो जानवरों को भी रजा के खिलाओ, पानी पिलाया करो। पिलाते हैं हाँ। कौसर जला रही है तंदूर, और उधर से गायें हमारी पहुंच चुकी हैं, हसीब और अम्मी जा रहे हैं उनको बांधने के लिए। इस्तियाना भी तशरीफ ला चुकी है, जा रही है उनको देखने, क्योंकि इस्तियाना को भी याद आई होती है जानवरों की, है ना? जानवरों की याद आई होती है, सारा दिन नहीं होते। ये देखें जी गायें पहुंच गई हैं, और जो चर के आती हैं उनको उधर ही ढक देते हैं। अभी देखें इनको सीधा पानी पानी पिला के आयो, माशाल्लाह। इसको भी वल्ला दे दो, हाँ ढक दो, सब तंग कर रही है वो, पूंछ मारा मैं समझा टांग मार रही है। गए जे नमी नहीं हुई अम्मा? नहीं अभी नहीं हुई। अच्छा अभी पाल रही है। एक ठंडा मौसम होएगा तो बाद में फिर होएगी हाँ, सब्जियों में। अच्छा अच्छा, क्या पता ये कपास के मौसम में हो जाए, जब उजाड़े के मौसम में। हाँ जी हाँ जी, चलो जी वो सारी ढकेच गई, और इनको जो है ना इधर बांधेंगे, और अम्मी जान इनको दूध निकालेंगी। अम्मी आप आई हो, वो जो बता रही थी वो ले आई हो? हाँ जी मैंने सो दिया के दे दिया। अच्छा तो आप तो मसरूफ हैं, फिर हम क्या करें? आप वो दिखा दो, दिखाना भी लाजमी है ना, दिखा दो। अच्छा चलो आप दिखाना तो पड़ेगा ही, मैं अभी पानी पिला रही हूँ, सारे जानवर खड़े हैं। आप पानी पिलाओगे फिर दूध निकालोगे, है ना? पहुंच गया दूध। इधर आओ कामरान, इधर आओ, इधर इधर आओ, भाज के आओ। क्या हो गया, खराब हो गया? ओ गाय दूध पिला रही है बछड़े को, छोड़ दो।
वो देखो गाय दूध पिला रही है, छोटी खोती को भी बांध दो। आ गई है, कैसी लगी? ऐसे बोलो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वाओ। चलो सबके लिए आज दुआ नहीं की, चलो आमीन। बड़ी दुआ करती हो, कितनी बड़ी, सबके लिए करती हो ना, सब बीमारों के लिए। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे, जो भी दुआ के लिए कहते हैं। इंशाल्लाह इस चैनल को ईद का गिफ्ट मैं दूंगा, ईद की खर्ची। कल मुझसे ईद की खर्ची लोगी? कितने पैसे लोगी? 100 रुपया? वाह, इस चैनल मुझसे कल ईद की खर्ची लेगी जी। इतना बड़ा टफ मरा। हाँ, 1000 रुपया? वो 100 पे भी खुश हो जाती है ना। 100 रत्ता नोट लाल लाल। 100 के फ्रूट मिलते हैं, अंगूर, अंगूर खाएगी इंशाल्लाह। चलो सही है, आप लोग पिलाओ, मैं जाता हूँ, बोलता हूँ एक दो बंधु को, सोबिया को, कौसर को, कि चलो आओ, वो तो दिखा दो ईद के सूट जो तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें जी, कौसर को भी बोला और सोबिया को भी, जकिया को भी और इस्तियाना भी आ चुकी है, क्योंकि ये वाली शॉपिंग जो है ना हमने अभी दिखानी है। शॉपिंग नहीं है बल्कि शॉपिंग तो पहले कर रहे थे, ये वही शॉपिंग सिलाई होके आई है। तो ये कैसे सूट तैयार किए इधर के दर्जी साहिबा ने, तो पता चलेगा आज, और सोबिया और कौसर को भी पता चलेगा कि सूट कैसे सिलाई है, क्योंकि ये एक जगह से कराती नहीं है, जगह जगह से कराती है। कभी कैसे कराए, हम तो एक ही जगह से कराते थे उधर, और फिर हम इधर कराते थे, वो उनकी शादी हो उस, वो दुल्हन जब से बनी उसने भी इनकार कर दिया। हाँ। क्योंकि वो कहती है मैं खुद, हमारा दिल कर रहा है कि अब हम ना अपनी सिस्टर को भेज दिया करेंगे एक महीना पहले। अच्छा, वो सिलाई करके कोई आता जाता भेज दिया करेंगे। हाँ हाँ, उधर से हम सादिया को। हाँ, मेरी बहन है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसकी रोजी बनी रहेगी, आप लोग सिलाई इधर भी तो भरते हो, लेकिन उधर से ये है कि आप इधर से अब एक हफ्ते से पहले पहले ले आए हो, उधर आपको महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, ऐसे कोई आएगा तो जल्दी कर लेती है, लेकिन क्योंकि कोई आएगा है। यही तो बात है ना, अभी जो आप कह रहे थे ना ईद के बाद हम लेंगे कोई, तो वो उधर जाके उसको दे देना। माशाल्लाह वो प्यारे प्यारे डिजाइन बनाती है। हाँ जी, वो पक्की दर्जी है ना, मेरी खाला से सीखी है, और वहाँ के दर्जी से पक्की पक्की दर्जी से सीखी है। जो न्यू डिजाइन आते हैं वो मोबाइल पे डाउनलोड करके वो फिर वही डिजाइन बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो सीखी हुई है ना काम, वो फिर चाहे एक बार वीडियो देख लेना उनके जहन में आ जाता है। ऐसे अगर न्यू है ना, वो बार बार भी देखे ना, फिर भी उसको भूल जाएगा कि ये कैसे मैंने देखा। मुझे कहते हैं मेरे घर में आओ, मैं आपको सिखाऊंगी, मैंने कहा इंशाल्लाह आऊंगी। तो माशाल्लाह सरप्राइज करते हैं, ओपन हमारे जल गया, अभी रोटी पकाएंगे। अच्छा, ये जो हमारी नाप पहले वाली, अच्छा ये पहले वाली नाप है। हाँ। ठीक हो गया। कुर्बानी है, ऐसे पढ़ा करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाह इल्हम। देखें जी ये वाला डिजाइन है पजामी के एंड पे। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, ये सिर्फ ऐसा ही सूट सादा, कुछ भी नहीं लगवाया। हाँ, ये देखें जी, उस दिन कौसा ने दिखाया था, आज फिर से वो तैयार हो गया है, और देख लें ब्यूटीफुल। वो दूसरे सूट पे है ना, दो सूट थे, एक सादा सिलवाया, एक पे लेसें लगवाई। हाँ, हमने कहा एक ईद पे पहन लेंगे, एक जो है ना शादी पे पहन लेंगे, कौसर की सिस्टर की शादी है ना। हाँ हाँ, सारा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो किसी और की शादी पे न्यू लेंगे, नहीं तो अल्लाह फुर्सत देगा तो लेंगे। और एक मिनट सब्र कर लो, ओके। और ये सूट मेरा। अच्छा, ये आपका है। ये देखें जी, ये सोबिया का सूट भी सिलाई हो गया, ये मैंने दिखाया था उस दिन बगैर सिले हुए। ये डिजाइन, ये फिराके बनवाया है। फिराके हैं? ये गोल है क्या? नहीं, तो फिराक तो गोल होते हैं। ये पता नहीं कैसे बनाया है। यही देख के तो अजीब सा लग रहा है। नहीं, फिराके होते हैं, ये गोल होते हैं, देख के ये जैसे ये मैंने पहना हुआ है। ये भी गोल ही है? गोल नहीं है, ये ऐसे चुड़ीते हैं। चलो छोड़ो,
चलो कोई बात नहीं, जैसे सिलाई की है उसके बाद हम जो है ना आखिरी दफा है क्योंकि ये जो है ना अभी सीख रही है। हम उस दिन डिजाइन का बोल रहे थे ना कि ये डिजाइन बनाना, वो कहती है कि कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, फिर पूछ रही थी। हाँ जी, लेकिन आप ये देखें ये और आगे उनको बताना था ना कि आप भी देखा करो डिजाइन कैसे सिलते हैं। और ये देखे ये भी सादा माशाल्लाह सिला हुआ है। ये छोटा क्यों है? नहीं बड़ा है, ये तो छोटा है आपसे। नहीं इतना लंबे भी अच्छे नहीं लगते। नहीं माशाल्लाह प्यारा सिला हुआ है। ये वाली लेस जी लेके आया था मैं डेरा बखा से, लाल सही है। हाँ जी, और इसके पोंचे जो है ना हमने उसको बताया कि कुछ इतनी इसको इस पोंचे को बताया ना इतना बताया फिर उसको समझ लगी, फिर उसने ऐसे वाले बनाए पोंचे। अच्छा ये देखें जाओ इस ना। अच्छा ये यानी कि उसको समझ नहीं लग रही थी कि मैं कैसे करूं। हाँ। फिर हमने ये दिया, ये किधर गई दूसरी, ये है ये वाली। हाँ, ये दिया हमने कहा इसको देख के फिर बनाना। चलो आप बन गए। मेरी सिस्टर जो है ना बहुत ही प्यारे डिजाइन बना लेती है माशाल्लाह। ये भी अच्छे सिले हुए, ये नहीं कहते कि हम ये सिलाई नहीं अच्छी, लेकिन माशाल्लाह ये भी अच्छे सिले हुए, उनकी मेहनत बनी हुई है। मेहनत है, हाँ उसकी मेहनत है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी रहे तो आप किसी और से। तो और दिखाओ और अपना सूट दिखाओ। हाँ ये जो हो गया भाभी जान का, फिर ये भी तो सिलेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा ना कि ईद वाला कौन सा सूट पहन रहे हो। फिलहाल तो ईद पे नहीं पहनेंगे, फिर पहले कहती है शादियां हैं तो इसलिए दो शादियां हैं तो हमने शादियों पे अगर ईद पे पहन ले तो शादियों पे फिर तो वो जो रखे हुए हैं ना घर पे उनसे ये वाला पहन लूंगी ईद पे, एक लाते की तो ईद होगी। हाँ हाँ, अच्छा ये जी सोबिया का सूट, ये आपने कैसे बोले थी लैस, देखें आप कैसे मिल गई, खूबसूरत लग रही है कि नहीं, ऐसे उस दिन कह रही थी। अगर ब्लू कर रखी होती ना तो फिर बहुत प्यारी लगती माशाल्लाह। ये जो है ना मेरा सूट। हाँ, इसका भी डिजाइन ऐसे ही बनाया गया, ऐसे सादा है इसमें। वो पांचों का। हाँ, उसका भी इसी तरह डिजाइन बना हुआ है, दोनों का एक जैसा ही डिजाइन बने हैं, सूट भी एक जैसे है। हाँ। और डिजाइन भी एक जैसे है। हाँ। माशाल्लाह ये देखे, ये भी वैसे बनवाया गया। उनको ऐसे बताया ना आप लोगों ने, अब उनको समझ आ गई है ना, अब जो भी उनसे सिलवाएगा उनको पता चल जाएगा कि ऐसे हमने सिल रहा है। हाँ, वो कहती है आपको तो डिजाइन आ जाते हैं, मैंने कहा हाँ हम तो क्या सिलाई करते हैं लेकिन आप मसरूफ हैं। अभी मसरूफ है। और ये देखे जैसे भाभी जान के वो ब्लू सूट का था पहुँचे, ये भी ऐसे। हाँ, दोनों ऐसे ही हैं। चलो पहन लेंगे एक जैसे सूट और एक जैसे डिजाइनिंग। मैं तो कहता हूँ ईद वाला दिन पहनो, आया है बड़ा वीआईपी लगेगा, कल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, कभी पहन लेंगे। अभी जो ना गर्मी है बहुत ज्यादा, कुछ दिल भी नहीं कर रहा पहनने को कुछ करने को। इस्तेहान गर्मी हो गई थी कि हवा भी खत्म हो गई है। तो प्यारे बहन भाई ने बताना है कि ये सरप्राइज जो है ना हमारा कैसा लगा और कैसी सिलाई हुई है, तो आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी अच्छी सिलाई है। तो इंशाल्लाह अभी गर्मी का मैं बता रही थी, तो गर्मी की वजह से ना हमारे आप आंसू क्या कह रहे थे पता नहीं, हमें सिलाई पसंद आई। हाँ, पसंद आई है। वो अपने सिस्टर ने कहा है हम तो अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए मकसद है ये देखते वीडियो नेट पे देखते हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए थे। हाँ जी, तो इंशाल्लाह सारी बहनों को पसंद आवे। ये फिराक के जो है ना ये वाले पतन ये कैसे कह रही हैं, फिराक की हमें समझ नहीं लगी। फिराक गोल होते हैं लेकिन ये गोल नहीं है, ये गोल तो है ये दूसरे सॉर्ट की तरह, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ कि ये गोल ही है। लेकिन ये ना आप लोगों का नीचे से देखें, ये चीज जो है ना ये नर्म है, ये आगे वाला सख्त है, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि पहले की तरह। ये अगर ये आगे पीछे एक जैसा होता तो ये बराबर गोल लगता। ऐसे थोड़ी हमारी बहनों की गिला कर रही हो, दोबारा बहनों को गिला नहीं करना।
जलान की बात नहीं है, मसला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने जहाँ से किस्मत सिलवा दिया ना। हाँ जी सिलवा दिए, सिलाई हो गए हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। बहन भाई भी बोलेंगे सोबे जाना, नखरे करते मजाक कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सोच थे। वो कौसर बुला रही है, कहती है सोबिया कहाँ है। मैंने कहा इधर बैठे है, कपड़े दिखा रहे। कहती है वो आ जाए और इधर रोटी पकवा। रोटी लगाएंगे, रोटी लगानी है। जाओ फिर रोटी लगाओ। माशाल्लाह साकिब ने अभी चौथा सूट पहन लिया। कितना सूट है, कितना सूट है साकिब बताओ, आप खुद बताओ। अम्मी अम्मी क्या कर रही है, हैं? गई ना उधर। अच्छा कपड़े लेने। हाँ हाँ। तो मैं जब भी पहुंची तो पहले बुलाती है, काके को नहीं लेके आई। अच्छा मुझे मैं क्या करता तो बोल रहा था मुझे उठा के ले जाओ। हाँ हाँ। लेकिन मैं नहीं लेके आई, शाम का टाइम था। अच्छा अब जाना था। अच्छा चलो कल चले जाना। कल जाएंगे ठीक है। वो कह रही थी हमारा हिस्सा नहीं है, साकिब को बुलाना, मैं गोश्त दे के आए। अच्छा साकिब गोश्त बांटोगे, वाह हिम्मत है, फिर तो गोश्त बांटोगे। कितनी हिम्मत है, हिम्मत वाले जिगरे वाले हो। बोलो बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान। अभी छोटा है ना, फिर कल को बोलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये देखें इस्तियाना को भी पसीना आया हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी है, आप लोग देख सकते हैं सबको ऐसे पसीना पसीना है। रकिया को भी देख लें तो साकिब को भी देख लें पसीना, और मुझे खुद को इतना पसीना आया हुआ है। रकिया क्या होगा इतनी गर्मी है, साकिब क्या होगा इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, हैं? इसलिए तो साकिब ने अभी अभी नहाया। इस्तियाना आपको भी गर्मी हो गई आज, रकिया को भी है, मुझे भी है, साकिब को भी है, सब को है। हाँ यक्के को है। हवा नहीं चल रही ना, हवा रुकी हुई है। दुआ करो, चलो शाबाश दुआ करो, हवा चले। आमीन। दुआ हवा चलेगी, दुआ चलेगी। अच्छा अम्मी जान जो है ना देखें मेहनत कर रही है माशाल्लाह, तो इसी मौके पर अम्मी को जो है ना मैं खाला का सलाम देना चाहता हूँ। अम्मी सुरैया खाला यूके वाली सलाम दुआ दे रही थी और अफसोस कर रही थी गाय का कि आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करती हैं और हमें बहुत दुख लगा है। मेरे जो अंकल हैं उनको भी, मतलब उनके घर वाला। बस अल्लाह पाक की मर्जी है, हम तो देखिए सारा दिन गर्मी में ऐसे, अभी देखे के क्या टाइम हो गया, अभी मैं फरीन हुई, पसीना पसीना हो गई, मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह पाक की जैसे मर्जी, हम तो अल्लाह की रजा पे राजी हैं, उनकी शाये देने वाला भी हो है और संभालने वाला भी हो है। हाँ। मालिक जात है किसी के वास नहीं। हाँ जी वो हम सोच तो लगता है ना अपने बहन भाइयों दुख लगता है। हाँ जी फूफा भी अफसोस कर रही थी जी, वो भी गाय की वीडियो देखी। बहरहाल मैंने कहा कि देखो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह फैसला देगा। सही बात है, जो अपने बहन भाई होते हैं अपने सज्जन होते हैं उनको दुख लगता है। हाँ जी लेकिन अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह पाक ने एक ली है तो इंशाल्लाह और देगा, इंशाल्लाह जरूर बरकत पाएगा, अल्लाह पाक ने को बढ़ाएगा तो जी, और इन्हीं से ही अल्लाह पाक बढ़ाएगा ना। तो ये जो खड़ी है देखना ये बछड़ियाँ देंगी। सही बात है, लेकिन जो चली गई उस दुनिया में नहीं रही तो उनका जो कमी है वो पूरी करेंगे। हाँ, और अम्मी को तो देखें जी पसीना क्योंकि बहुत गर्मी है। देखे मैं अभी उड़े जा रही थी, मेरा काम जो है जरा उन्हें भाग दौड़ करके जोर से नबेड़ रही हूँ, बस काम मुक्त नहीं रहा। हाँ। तो ना दुआ भी करानी है समिया से। मैं चलो सोबिया को बोलता हूँ, आप तो बिजी हैं। हाँ जी, को उनको भी खाला का सलाम देता हूँ और इंशाल्लाह दुआ कर। बाकी हज की मुबारकबाद दे रहे थे, ईद कल है और एडवांस में ईद मुबारक भी दे रहे थे। मुबारक उनको भी, ईद मुबारक, हज मुबारक, सब बहन भाई देखने वाले को सब हमारी तरफ से माशाल्लाह ईद नसीब हो। आमीन आमीन। चलो फिर आप जाए, साकिब आपको देख रहा है। साकिब आदा मुझे उठाओ, देखें साकिब थोड़ी देर है, मैं घास डाल दूं। हाँ फिर आपको उठाऊंगी। अच्छा एक ही बात बोलना अब्बा। सोबिया और बात का जवाब इधर आओ, आ जाओ
आपको सलाम भी दूँ, आपको दुआ भी दूँ, और आपको आपको मैं कहूँ कि किसी के लिए दुआ करनी है। साकिब भी कह रहा है बा। खाला सुरैया यूके वाली और उनके हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से सलाम हो गया। वालेकुम सलाम, कैसे थे? ठीक थे? सब ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और उनकी जो है ना कुछ परेशानियां हैं जो दुआ के लिए कह रहे थे, तो उससे पहले जो है ना वो ईद मुबारक कह रहे थे एडवांस में। उनके यहाँ भी कल ईद है तो हाज की भी मुबारकबाद दे रहे थे। तो अभी जो है ना आप सब भी दुआ करना, खैर मुबारक, उनके हर मसले मसाइल दूर करे, जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। हमारे इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन। तो आ जाओ, समिया से जो है दुआ करवानी है, समिया के पास चलते हैं, उससे दुआ करवाते हैं ताकि हमारी खाला के लिए समिया भी दुआ कर दे अच्छी अच्छी, ताकि उनकी हर परेशानियाँ दूर हो जाए। आ जाओ, समिया के पास पहुँच चुके हैं अभी ना। समिया को बताओ खाला का, अम्मी का और सिस्टर का और जितने भी हैं फुफो का, सब के लिए बता के ना स्पेशल दुआ करा दो। ऐसे सब के लिए दुआएं करवा देते हैं, एक एक का नाम नहीं रहते, स्पेशली सब के लिए दुआ करवा लेते हैं। नहीं, फिर भी जिन्होंने कहा होता है उनका स्पेशली नाम लेना चाहिए ना। हाँ जी। सुरैया खाला भी, फुफो भी और अम्मी भी और सिस्टर भी। हाँ जी। इन के मेरी अम्मी जान है और मेरी अम्मी जान वो फुफो फरमान की फुफो होगी, मेरी अम्मी जान होगी और मेरी सिस्टर हो गई और सुरैया काला और जो भी हमारे देखने वाले हैं ना उनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, उनके मारे इसमें बरकत अता फरमाए। आजकल वो बहुत परेशान है और अल्लाह पाक उनकी हर मुश्किलात दूर करे और उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी, अल्लाह पाक दूर करे और उनके मसले मसाइल में जो है ना उनके मसले मसाइल दूर हाल फरमाए। हाँ जी। और उनके मारे इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा, आमीन समिया, आप भी दुआ कर दो। आमीन आमीन आमीन। समिया ने जी दुआ कर दी है, एक बार फिर करा दो अगर करती है तो। चलो समिया आमीन करो, एक बार आमीन करो। आमीन, आमीन। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह पाक सुनेगा हमारी प्यारी सिस्टर की दुआ और सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखना सब कहेंगे हमारी परेशानियां दूर हो गई, समिया ने दुआ की है, हम समिया को क्या गिफ्ट दें, देखना माशाल्लाह। हाँ, समिया को भी पसीना आया हुआ है क्योंकि आजकल ना गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है दिन। ये ईद के दिन जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, आज है ना बर्फ भी नहीं है, अबू जान पता नहीं कब आएंगे और पानी जाने इतना गर्म हो गया है ना बहुत ज्यादा, तो अभी रोटी भी नहीं खाई हमने, कहा चाहे अबू जान आएंगे पानी बर्फ में बर्फ डालेंगे पानी में, ठंडा होगा तब पिएंगे। हाँ जी, तो मैं ना अब को कॉल करता हूँ, उन्हें कहता हूँ आ जाए, अब इधर प्यास प्यासे मर रहे हैं, गर्म पानी पिया नहीं जाता। हाँ। बर्फ है नहीं और फ्रिज में भी पानी ख़त्म हो गया। हाँ। और वो कॉले वगैरह भी नहीं रखे, कल भी तो कॉले पी गए थे, अभी इरफान भी गए हुए थे पीने के। देखो रखा है तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के ना, ठंडा कोला रखा होगा ना उसमें पानी डालो, ताकि अभी तो सब पिए, अम्मी भी प्यास से मर रही है। मुझे बहुत प्यास लगी, मैं थोड़ा। हाँ हाँ रख लो रख लो, ठीक है सभी, ठंडा पानी करके और समिया को भी पिलाना और सबको जो जो पिए।